honestly, I don't know what the producer's point of view, but at least from a director's point of view, जब लोगों को पिक्चर पसंद आती है जो आपने एक या दो साल पहले सोची है, ऐसा कोई जुबिलेशन या कुछ इतनी खुशी नहीं होती, एक रिलीफ सा होता है कि एटलीस्ट आपकी सोच मानी जा रही है. सो जो लोग बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा खुश है और ऐसी नहीं, वैसे एक रिलीफ होती है कि अरे थैंक गॉड उन लोगों को अच्छा लग गया. बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई मस्ट क्रेडिट द फैक्ट कि यू नो ये दिस स्टारकास्ट दे आर पॉपुलर इन देयर ओन वे, बट टू बिलीव मोर इन द कॉन्टेंट एंड द म्यूजिक एंड टू द डायरेक्टर टू मेक दिस काइंड ऑफ फिल्म, आई मस्ट थैंक माई प्रोड्यूसर्स मोस्टली कि ये विजन एटलीस्ट मेरा सोचना काम मेरा है, पर एटलीस्ट उसको पर्दे तक लाना इनकी इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई थिंक दैट दे शुड गेट मोर क्रेडिट फॉर दिस. सी आप एक एग्जामिनेशन होता है हर फिल्म का, मीन्स आप जब फ्राइडे आ रहा होता है तो आपको पॉजिटिव, हम तो खुद फिल्म से अटैच होते ही हैं क्योंकि हमने खुद बनाई है, सोच के बनाई है. तो जब कोई बाहर के जन या एडिटर्स या ये सब लोग फिल्म देखते हैं, प्रेस वाले, और एक रिएक्शन आता है, तो उस फर्स्ट रिएक्शन की हमेशा से आपको मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक होता है कि यार इतना टाइम हमने इस फिल्म पर काम किया है तो अब एक कुछ मालूम चलेगा कि बाहर ऑडियंस को कैसी लग रही है, मीडिया को कैसी लग रही है. तो वो उस चीज़ का एक नर्वसनेस होती है, लेकिन बहुत खुशी है कि हमने कुछ जर्नलिस्ट को फिल्म दिखाई और उनको बहुत पसंद आई, काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ भी दिए और बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं कि थ्रिलिंग फिल्म है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है और म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त है, सस्पेंस एंगल बहुत अच्छा है. तो यही सोच के हमने फिल्म बनाई है कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑडियंस इसको प्यार दे, और एक उसकी झलक जब मीडिया देख रही है तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ी सांसें ठीक हो रही हैं. तो बहुत खुशी है इन सबको पसंद आ रही है. बिल्कुल सेम पॉइंट ऑफ व्यू जी ने बोला, ये एग्जाम की तरह हमारे लिए. एज प्रोड्यूसर जब हम फिल्म बना रहे होते हैं तो हम सिर्फ उसको एग्जाम की स्टडी कर रहे होते हैं, उसमें लगे होते हैं. तो जब पहली बार प्रोडक्ट बाहर आता है और जब हम क्रिटिक्स को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, वो जो पहला जो फीडबैक आता है वो अपने आप में बहुत बड़ा वैलिडेशन है इस बात का कि जो कितनी तैयारी की. एक एक फिल्म बनाने में ऑलमोस्ट एक साल तो लग ही जाता है, डायरेक्टर का उससे ज़्यादा लग जाता है, बट प्रोड्यूसर का एक साल तो लगता ही है. तो वो एक साल काफ़ी जद्दोजहद से जुड़ा होता है, बट इवेंचुअली जब एक फाइनल प्रोडक्ट पर्दे पर आता है और लोगों को अच्छा लगता है, वो सबसे बड़ा वैलिडेशन है कि हाँ कुछ अच्छा किया. सर सर, जैसा कि ट्रेलर फिल्म तो लोगों को पसंद आ रही है जितने भी लोगों ने, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दिन ही आप सभी वहाँ प्रेजेंट लोगों ने ये बात कह दी थी कि इस फिल्म का आने के बाद आप सभी हमारी इंडस्ट्री में इसकी बातें होंगी और ये जो स्टार कास्ट है एंड इस फिल्म का जो औहदा है, लेवल है, वो बढ़ जाएगा एंड अब जितने भी लोग देख रहे हैं. सो प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ प्रेशर तो रहता ही है. आई मीन इफ यू डोंट फील द प्रेशर इन दिस बिजनेस यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस आई थिंक. बट प्रेशर हर फिल्म का रहता है. आई मीन आई फेल्ट प्रेशर इन नाशिकी के लोग बोल रहे थे कि उसका म्यूजिक आपके नदीम शब्द में वो पुराने म्यूजिक के लेवल पे रहेगा कि नहीं. सो यू फील प्रेशर ऑल द टाइम, पर प्रेशर से यू नो यू कैन नॉट, यू कैन स्टॉप मेकिंग फिल्म. वॉट जो अच्छा लग रहा है कि अनिल सर ने मुझे इतने सीजन इस इंडस्ट्री में देखे, इतने सारे यू नो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए, ही इज डन मोर देन 150 फिल्म्स. टू डू समथिंग नया उनको लग रहा है कि उनको आफ्टर सो मेनी फिल्म्स उनको लग रहा है कुछ नया कर रहे हैं एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इज थोड़ा सा खुशी तो होती है उस बात पर. बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड इन द एंड whatever we say is not as important as in the end what the audience feels about it. Sir, trailer ke pehle hi din bata diya gaya tha ki is film ki baatein bahut dur tak hongi, hit hongi, to aap bataiye us samay aapki kya kuch feeling hoti? See, achhi feeling hoti hai, means agar aapke kirdar jo film mein jinhone kaam kiya hai unko itna confidence ho film pe, aur to ek feeling, ek positive feeling aati hai ki aap, kyunki Anil ji jaise Mohit ne bhi bola, itne season, इतने पुराने एक्टर हैं, इतनी उन्होंने फिल्में की, उनको इतना एक्सपीरियंस है, उनकी इतनी अच्छी जजमेंट है, तो अगर उनके मुंह से एक चीज़ निकली कि ये फिल्म की बातचीत होगी और ये फिल्म, वो तो ये भी वो तो बहुत कह रहे हैं कि बहुत फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी, तो अब बहुत खुशी की बात है. जो वो कह रहे हैं वो सच हो तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर के लिए इससे बड़ी
बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन मैं अनिल कपूर जी के बारे में कहना चाहूँगा, इस फिल्म में सब सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कुणाल ने, अनिल अपना आदित्य ने, दिशा ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया। अनिल जी की जो बहुत सालों के बाद जैसे तेजाब में उनकी एक झलक देखने को मिली थी, उस दुनिया की चीज़ इन्होंने आज तक की नहीं थी जो इस फिल्म में दर्शकों को देखने को मिलेंगी। मतलब मैं इतने टाइम बाद देख के इतना मतलब सरप्राइज हो गया था यार कि वाह, मतलब आई वॉज टोटली विद द कैरेक्टर, उनके पूरे कैरेक्टर के साथ पूरे उसमें। और इंतज़ार रहता है जैसे फिल्म में ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी चार किरदारों के ऊपर फिल्म घूमती है, तो इंतज़ार रहता है फिल्म में कि कब अनिल जी का किरदार वापस आएगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव किरदार है, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा। आप जब फिल्म में देखेंगे आपका भी आई थिंक यही वो रहेगा, क्योंकि वो इतने उन्होंने ऑब्वियसली ही इज़ अ सीजन एक्टर, तो वो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से वो करते हैं, हंसाते भी हैं और थ्रिलिंग एंगल भी है, और उनकी एक्टिंग तो लाजवाब है। जिस तरीके से हमें ट्रेलर का रिस्पांस मिला और जिस तरीके की मोहित की ऑडियंस है, सो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिस्कशन करके भी ये लगा कि इस फिल्म की ऑडियंस सिर्फ हिंदी स्पीकिंग से ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए फिर एक जॉइंट कॉल हम सब ने मिलकर लिया कि इस फिल्म को हम इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ रिलीज़ करते हैं, क्योंकि जो साउथ के रीजनल एग्जीबिटर्स थे वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट था। सो वी टुक अ जॉइंट कॉल कि इसको सबटाइटल से रिलीज़ करते हैं ताकि जो लोग हिंदी नहीं भी बोलते हैं साउथ में वो लोग भी ये फिल्म जो है एंजॉय इक्वली कर पाए। आप क्या मानते हैं? सिमिलर, मतलब यही सेम चीज़ जैसे एज अ डायरेक्टर या यू, इट्स अ वेरी गुड कॉल, वेरी बिग थिंग फॉर मी के सब लैंग्वेजेस में लोग, मुझे याद है लव ने बहुत इंटरेस्टिंगली एक रशियन प्रोमो भेजा पिक्चर का, तो आई मीन एंड दिस इज अ बिग रिलीज, दिस इज माय बिगेस्ट रिलीज एवर। तो एज अ फिल्म मेकर यू ऑलवेज वॉन्ट कि जितने लोग ज़्यादा आपकी पिक्चर देखे, पहले तो थिएटर में फिर ऑनलाइन, दैट इज स्लोली स्लोली आपकी एक सोच फैलती है। सो आई एम मोर देन, जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला हम सब टाइटल करें, मैंने तो अभी कर दो यार, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई थिंक एवरी फिल्म मेकर डज दैट, वो एक क्या होता है, एक सोच आती है एंड यू वांट, बिकॉज क्या है मेरा मानना, एक फिल्म एक रिलेशनशिप जैसी है, अगले एक साल आपको उसके साथ बिताना ही पड़ेगा, सो इफ़ यू डोंट लाइक इट वो एक बुरा रिलेशनशिप हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो चॉइस उस पर रहता है। बट आई थिंक आई हैव डन फेयरली वेल, मैंने 12 फिल्म बना ली है 15 साल में, तो इतना भी चूज़ी नहीं हूँ कि मैंने कुछ अच्छी बनाई और बाद में चली गई, और ऐसा कोई आदमी बनाता नहीं पिक्चर कि उसको लगता है कि ये पिक्चर चलने नहीं वाली है, सब अपने दिल से पिक्चर बनाते हैं, आई थिंक दैट गोज़ फॉर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। बट चूजी होना इम्पॉर्टेंट है, बट वी आर इन अ इंडस्ट्री जहाँ पर पहले आप शूट करो फिर इन करो, बेसिकली इन लाइफ के पहले आप गेट द फिल्म ऑन फ्लोर, गेट अ फिल्म, गेट प्रोड्यूसर्स दैट बैक योर विजन, एंड देन आपको वो पिक्चर अच्छी तरह बनानी है, देन द रेस्ट राइज टू व्हेन द बिजनेस पार्ट कम्स, पर आप शुरू शुरू में यू हैव टू डू इट विद द फीलिंग। हाँ नहीं, टी सीरीज़ और हमारी तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हमने अभी तक तीन ये चौथी पिक्चर है जो हम साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही, ये एसोसिएशन सिर्फ प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल एसोसिएशन भी है, हम एक दूसरे को फैमिली की तरह देखते हैं, मतलब हमारे लिए तो भूषण जी बड़े भाई जैसे हैं, तो मतलब ये एसोसिएशन लंबा चलने वाला है, तो मतलब मैं तो लाइक मैंने जैसे बोला चल रहा है, एसोसिएशन वाली ये चल रहा है, चलता रहेगा, सो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव समवन एज एक्सपीरियंस हमारी कुछ और फिल्में हैं जो हम आपस में साथ मिलके बना रहे हैं जिनके अनाउंसमेंट वगैरह भी होनी है, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अपना अनाउंसमेंट वगैरह आएंगी, तो हम लोग मिलकर फिल्म बना रहे हैं। जो
अभी बहुत सारी आ रही हैं तो उनकी अलग अलग तो एक एक तो अभी थप्पड़ का भी इंटरव्यू करना है ना उसमें करेंगे अभी मलंग करते हैं भूषण जी से ये पूछा कीजिए कि किस हफ्ते में आपकी फिल्म कौन सी एग्जैक्टली वो हफ्ता बता दें कि कौन कौन सी फिल्म नहीं आ रही है तो वो बेटर रहेगा हाँ एक्चुअली अभी तो हर दो हफ्ते में आ रही है अभी तो हर दो हफ्ते में वेल मलंग इज अ फिल्म जो वी हैव मेड विद ऑल आवर हार्ट्स और कहीं ना कहीं उसमें वो जिंग है वो एनर्जी है जो आज की यूथ में है यू नो अक्सर बट ए जॉनर लोग कह रहे मैंने किया है पहले बट इट इज़ जॉनर जो हिंदी फिल्मों में हमने हमेशा सेलिब्रेट किया है चाहे गोल्डी साहब की फिल्में हो जूल थी कारवां वो टाइप के या फिर अब्बास मस्तान साहब ने ट्रीट किया हो एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर विद अ हार्ट इन इट्स राइट प्लेस मलंग दर्शकों को इसमें सब कुछ है जो आज दर्शक देखना चाहते हैं इस टाइप की फिल्म में आज म्यूज़िक बहुत पसंद किया जाता है स्पेशली मोहित की फिल्मों तो म्यूज़िक से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है म्यूज़िक हमारा बहुत अच्छा जा रहा है इस फिल्म में थ्रिल है इस फिल्म में सस्पेंस है इस फिल्म में वो हर चीज़ है जो एक कमर्शियल सिनेमा को ऑडियंस देखने के लिए कमर्शियल सिनेमा में एक्सपेक्ट करता है तो जस्ट उम्मीद यही है कि सब काफ़ी लोग ये फिल्म देखने जाएं और इसको ढेर सारा प्यार दें अंकुर जी रेडी आप बिल्कुल एकदम रेडी फॉर मी मलंग एक क्लटर ब्रेकर फिल्म होने वाली है यू नो आजकल जो कंटेंट आ रहा है उससे बहुत डिफरेंट जो मुझे काफ़ी श्योरिटी है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी हम सब ने मिलकर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है जिसमें सारे कमर्शियल एलिमेंट्स हैं सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई विश कि हम सक्सेसफुल फिल्म मिलेंगे Thank you. Thank you very much. Thank you.